बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ब्रैकेट रेडी करना बताएंगे। तो इसके लिए हमने फेंसिंग की जो ये स्ट्रिप्स काटी जो कि ब्रैकेट में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी लंबाई बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि इसकी जो चौड़ाई है ब्रैकेट की वो हमने कितनी लगाएंगे। तो हमें जो तैयार ब्रैकेट चाहिए वो 13 इंच तैयार हमने इसकी ब्रैकेट रेडी करना है। तो उसके लिए हमने फ्यूजिंग जो है वो इसके ऊपर हमने फेस्ट कर ली है कपड़े के ऊपर इस तरीके से, और जो इसकी चौड़ाई है वो 1/4 इंच रखी है जो हमने फ्यूजिंग की है। चौड़ाई यहाँ से रखी है, ये हमारी 1/4 इंच है। ऊपर और नीचे दोनों जो पट्टियाँ तैयार होंगी उनकी चौड़ाई हमने सेम रखी है इसमें, और लंबाई हमने इसकी ली है 11.5। ऊपर से नेकलाइन का राउंड कट हो जाएगा और हमने यहाँ से लेना है तो हम यहीं से इसकी मार्किंग करेंगे। यह हमारा जो तैयार लंबाई में नेकलाइन होगा वो हमारा 2.5 इंच का होगा, बाकी का नीचे पोर्शन हमारा ब्रैकेट रेडी होगा। अब हमने ये इस पर कपड़े के ऊपर फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है और इसकी क्रीज बनानी है इस तरीके से। अब जो हम इनको पीसेस को कट करेंगे, जितना पोर्शन हमने इसमें रखा है इसके इक्वल रखकर और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे ताकि जो स्टिच होकर इसका हाफ पोर्शन अंदर चला जाएगा तो हमारा इक्वल पार्ट रेडी होगा। अब हम आपको इसकी कटिंग देते हैं। सेंटर में इसका कट लगाएंगे और ये 13 इंच पर रेडी होगा, लेकिन हम इसको लगाएंगे 10 इंच तक। अभी हमने सेंटर में कट लगा लिया है। पहले हम ये छोटा जो नीचे साइड वाला होता है पोर्शन वो इसमें अटैच करेंगे। तो उसके लिए होगा इस तरीके से रखकर इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से ऊपर की साइड पर फोल्ड कर देंगे। अच्छा, ये हमने जो उल्टे हाथ वाला पोर्शन है पहले इसको रेडी करना है जो नीचे आएगा। लेडीज़ जो प्लैकेट होता है वो राइट साइड का पोर्शन ऊपर होता है और जेंट्स का जो प्लैकेट होता है वो लेफ्ट साइड वाला ऊपर होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों प्लैकेट। ये हमारा एक पोर्शन रेडी हो चुका है, देखिए नीचे से भी। अब हम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट रेडी करेंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि ये इस तरीके से अंदर आएगा और यहाँ पर हम 13 इंच तक लेकर जाएंगे इसको और यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं जब इस तरह से, यहाँ पर भी मशीन फेरते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट इस तरीके से लाकर मशीन को ऊपर की तरफ ले आएंगे। ये लगाने के बाद एक यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम पहले यहाँ पे इस कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे, सिर्फ यहाँ तक, पूरा नीचे तक नहीं लेकर आएंगे, यहाँ तक लाके फिर उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे।
लहसुन से रेडी है, हम इसको यहाँ रखते हुए जिस पॉइंट से हमने छोड़ा है यानी जो इनका सुई का होल बनता है टांका आते हुए उसी में ही हमने इसको करना है।